वाराणसी का 80 घाट जहां भक्तों का तांता लगा रहता था, जहां दूर दूर से लोग गंगा आरती देखने आते हैं, अब पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। बुधवार को 80 घाट पर पानी का ऐसा उफान आया कि घाट पर रखी चौकियां, चेंजिंग रूम, गमले और कुर्सियां सब कुछ पानी में डूब गया। अब गंगा नदी का पानी गलियों की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। बाढ़ के चलते वाराणसी में क्रूज और बोटिंग पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा 80 घाट पर जय मां गंगा सेवा समिति की आरती भी अब गलियों में होंगी। समिति के सदस्य यश चतुर्वेदी के अनुसार बुधवार की शाम से गंगा आरती सांकेतिक तौर पर 3 अर्चक करेंगे। आज गंगा आरती सांकेतिक करके 3 अर्चकों के द्वारा करके गलियों में करेंगे। ये हर साल का है कि इन 3 महीनों में जब बाढ़ आती है तो चीजें अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि हम लोग के अर्चकों के सामान, सारी सामग्रियाँ, सारी कुछ हम लोग हटानी पड़ती है। कार्यालय रहता है, कार्यालय साफ सुथरा करना पड़ता है, सारी चीज़ें जो व्यवस्थाएं हैं सारी छिन्न भिन्न हो जाती हैं, उनको देखते हुए समस्याएं तो आती हैं। अपडेट में ये भी बता दें कि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में गंगा का जल स्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बुधवार की सुबह 8 बजे गंगा का जल स्तर 68.2 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। अभी गंगा खतरे के रेड अलर्ट से केवल 2 मीटर दूर है। खतरे का निशान 71.26 मीटर है, जबकि खतरे का लेवल 70.26 मीटर है। वाराणसी में बाढ़ का रिकॉर्ड स्तर 73.9 मीटर दर्ज किया गया है। इसके अलावा ये भी बता दें कि अब बाढ़ की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि वाराणसी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर शवों का अंतिम संस्कार छत पर किया जा रहा है। हरीश चंद्र घाट पर भी गलियों में शवदाह शुरू हो चुका है। छत और गलियों में शवदाह के कारण शव यात्रियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस भयावह स्थिति के बावजूद स्थानीय प्रशासन और राहत कार्यकर्ता दिन रात स्थिति को संभालने में जुटे हुए हैं। बाढ़ के पानी से वाराणसी के ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर पर भी इसका असर पड़ा है। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जयसवाल की रिपोर्ट।